स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी की रैली में लगे हैं मोदी जिंदाबाद के नारे और आदिवासी महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से नारे लगाए हैं और राहुल गांधी की घोर बेइज्जती होते हुए नजर आ रही है। दोस्तों इस पूरी खबर को जानेंगे, लेकिन अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी है तो मुमकिन है कि अवधारणा का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राहुल गांधी ने झारखंड के खुंटी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के पक्ष में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उनका भाषण समाप्त होते ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंच से चौकीदार चोर है के नारे लगवाए, लेकिन इसी के साथ मंच के सामने बैठे आधा दर्जन से ज्यादा आदिवासी महिलाओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को असहज महसूस करने पर मजबूर कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार लगातार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करनी शुरू कर दी है और मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने में जुटे हुए हैं। रैली में कभी कुछ बोला जाता है और जवाब में पलटवार किया जाता है नेताओं के द्वारा, लेकिन एक बड़ी खबर जो आ रही है, जहां पर कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी स्वयं असहज महसूस करते हुए नजर आए। ऐसा ही नजारा झारखंड के सिमडेगा में गुरुवार को देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी एक चुनावी सभा को देखने के लिए वहां के लोकल आदिवासी लोग आए थे। यहां चुनावी सभा में जब मंच पर चौकीदार चोर है के नारे लग रहे थे, तो उसी वक्त सामने वाली पंक्ति में बैठे हुए स्थानीय आदिवासी महिलाओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी झारखंड के खुंटी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद दोस्तों असहज महसूस करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नजर आई है। हम आपको बता दें कि आदिवासी महिलाओं का कहना है कि मोदी सरकार के 5 साल के दौरान इनको बेहतरीन फायदे मिले हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस देना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देना हो, मोदी सरकार और रघुवर सरकार ने उनके लिए बेहतरीन काम किए हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे इन महिलाओं ने लगाए हैं। इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले पर फेंके गए हैं टमाटर, लगे सिद्धू वापस जाओ और मुर्दाबाद के नारे। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले तथा कथित रूप से अमेठी के अंदर कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले पर कुछ युवकों ने टमाटर फेंके हैं और सिद्धू वापस जाओ के नारे लगाए हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बता दें कि सिद्धू गुरुवार को कांग्रेस की अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रचार के लिए अमेठी पहुंच रहे थे। इस दौरान कुछ युवकों ने हाथ में पैम्पलेट लेकर नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले के कथित तौर पर टमाटर फेंकते हुए सिद्धू वापस जाओ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक मिले इस वीडियो में अमेठी के जगदीशपुर का है, जहां पर विरोध कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सिद्धू के अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ में अपना विरोध दर्ज कराया है और कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं अमेठी में, जहां पर लगातार बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है। इसीलिए प्रियंका गांधी हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू, अपने सारे नेताओं को राहुल गांधी ने अमेठी के चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन जमीनी स्थिति अभी अमेठी की स्मृति ईरानी के पक्ष में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि अमेठी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ा होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर अमित शाह की झारखंड रैली से पहले नक्सलियों की बौखलाहट निकलकर सामने आई है और बम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उड़ा दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 के 5वें चरण के प्रचार के तहत शुक्रवार को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की झारखंड की 3 रैली प्रस्तावित है, लेकिन अमित शाह की रैली से पहले ही सरायकेला जिले के खरवा में नक्सलियों ने बीजेपी कार्यालय को विस्फोट से उड़ा दिया है। पलामू के बाद अब की बार खांडू संसदीय क्षेत्र खरसावा के अंदर नक्सलियों ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला कर दिया है। ये हमला गुरुवार रात करीब 1 बजे किया गया है, जिसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा नक्सलियों को परेशानी हो हुई है और कई जगह पर इंसर्जेंसी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका सीधा मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जहां पर एक और नक्सली बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर बड़े स्तर पर चुनाव जीतने के लिए अग्रसर नजर आ रही है। इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर रामायण महाभारत की दुहाई देते हुए येचुरी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हिंदू हिंसक नहीं होता, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि रामायण महाभारत में जो लड़ाइयां छिड़ी है उसमें तो हिंसा हुई थी, यानी सीधे तौर पर एक बड़े समुदाय को हिंसक बता रहे हैं सीताराम येचुरी। अब इससे जुड़ी हुई पल पल की जो अपडेट निकलकर सामने आएगी, उससे हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर मोदी के खिलाफ नारेबाजी वाले वीडियो पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का प्रियंका गांधी को नोटिस थमा दिया गया है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
आयोग ने नोटिस थमाया है। प्रियंका गांधी को उस वक्त वीडियो के लिए नोटिस थमाया गया है जिसमें उनके सामने बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं। यह वीडियो में ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए बच्चों का सहारा ले रही हैं। हम आपको बता दें कि बच्चों को उनके सामने लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष को इतना ज्यादा फैला दिया गया है कि बच्चों तक में किसी नेता के प्रति इतनी ज्यादा हीन भावना फैला दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने हमला करना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए इस बयान को लेकर जहां पर प्रियंका गांधी बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है, वहीं पर दूसरी ओर एक नोटिस भी उनको थमा दिया गया है। अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी है तो मुमकिन है कि अवधारणा का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि आएगा तो मोदी ही। तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस पार्टी का दावा, कहा यूपीए सरकार में हुई है 6 सर्जिकल स्ट्राइक। यानी दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जहां पर कांग्रेस पार्टी इससे पहले कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रही थी, वहीं पर अचानक से कांग्रेस पार्टी को 6 सर्जिकल स्ट्राइक याद आ गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में एक मंत्री ने दावा किया है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लिया जा रहा है, पहले श्रेय नहीं लिया जाता था, हमने भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। इससे पहले 15 या उससे ज्यादा 20 बार सर्जिकल स्ट्राइक के दावे कर रही कांग्रेस पार्टी अब घटकर 6 बता रही है। यानी किसी भी तरह से कुछ भी नंबर बताए जा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बालाकोट में ऑपरेशन को लेकर जिस तरह से समर्थन में वोट मांगा जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई नजर आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने दिवाली के लिए परमाणु हथियार वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग का रुख करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में सशस्त्र बलों को बार बार आह्वान करके आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला उठाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। चुनाव आयोग ने दिवाली के लिए परमाणु हथियार वाले बयान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं भी दूर दूर तक उल्लंघन नहीं हुआ है। इसी के साथ दोस्तों जीटी देवेगौड़ा बोले कि जेडीएस कार्यकर्ता बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बाद में कांग्रेस पार्टी के बिफरने के बाद इस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के महामिलावट की सरकार चल रही है कर्नाटक में, और ऐसे में दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आते हैं। ताजा मामला निकल कर सामने आया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर जेडीएस के एक नेता ने कहा था कि जेडीएस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिसके बाद अब सवाल उठने शुरू हो गए थे कि क्या जेडीएस वाकई में चुनाव लड़ रहा है या फिर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहा है। दरअसल दोस्तों जेडीएस के नेता साफ तौर पर मानते हुए नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है और यहां तक कि उनके अपने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई, तो बाद में जेडीएस को इस बयान से वापस लेना पड़ा है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली सरकार को गिराने की बीजेपी की साजिश को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो खुलासा किया है उस पर भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने बड़ी बात बोलते हुए कहा है कि 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते थे और आम आदमी पार्टी छोड़ना चाहते थे, लेकिन हमने उन सभी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराया है। ऐसे में दोस्तों सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी के पिछले 5 साल के चले दिल्ली के शासन से जनता नाराज है, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अमेठी वासियों के लिए राहुल गांधी ने एक खत लिखा है। अमेठी मेरे परिवार की तरह है, ये लिखते हैं राहुल गांधी। मेरा अमेठी परिवार मुझे हिम्मत देता है कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूं, मैं गरीब कमजोर लोगों को पीड़ा को सुन सकूं, उनकी आवाज उठा सकूं और उनके लिए एक सम्मान न्याय का संकल्प ले सकूं। यानी दोस्तों अमेठी के अंदर जब से राहुल गांधी की जमीनी स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है, उसके बाद से जहां पर एक और प्रियंका गांधी डेरा जमाए हुए हैं और सोनिया गांधी से भी रैली करवाई जा रही है, नवजोत सिंह सिद्धू से रैलियां कराई जा रही है, रोड शो कराए जा रहे हैं, नुक्कड़ बहस कराई जा रही है, किसी भी तरह से अमेठी की जनता को एक बार फिर से राहुल गांधी के पक्ष में लाया जाए। लेकिन स्मृति ईरानी के सक्रिय राजनीति माने के बाद से जहां पर अमेठी में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर दूसरी ओर राहुल गांधी बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे बचने के लिए और अमेठी में अपनी हार को बचाने के लिए एक खत लिखा है और जनता में इस खत को सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर अमेठी के विकास की चर्चा दूर दूर तक नहीं की गई है और कह दिया गया है कि अमेठी उनकी कर्मभूमि है, बेशक वो कोई काम ना करे लेकिन कर्मभूमि उसकी बन जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि अमेठी की जनता एक बहुत बड़े बदलाव की ओर देख रही है। अगर आप भी अमेठी की जनता पर विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालकर एक बड़े परिवर्तन का समर्थन करेगा अमेठी की जनता, तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। इसी के साथ आप बता सकते हैं कि अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी कितने हजार वोटों से जीतेंगी या कितने लाख वोटों से उनको चुनाव के अंदर जीत मिलेगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। हम आपको बता दें कि 2017 के चुनाव के अंदर अमेठी के अंदर सारी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी
जीत गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। दोस्तों आपको ये सारी खबरें कैसी लगी, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना तो बेहद ही जरूरी है। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल। जय हिंद।